इस वेले की बड़ी खबर किसानों के नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है कि पंजाब और हरियाणा के झोने की सरकारी खरीद अज तो शुरू हो जा रही है। दस दईए कि पहला एक खरीद 1 अक्टूबर तो शुरू होनी सी पर केंद्र सरकार के वालों एक फरमान जारी किया गया जिसके दसिया गया कि झोने की सरकारी खरीद 11 अक्टूबर शुरू होगी, जिसका कि पंजाब और हरियाणा के किसानों के वालों काफ़ी विरोध भी किया गया। बीजेपी जेजेपी कांग्रेस के विधायकों का किसानों के वालों विरोध किया गया, जिसको लैके केंद्र सरकार के वालों अपना यह फैसला बदला गया। हुण 11 अक्टूबर की बजाय अज यानी कि 3 अक्टूबर को पंजाब और हरियाणा के झोने की सरकारी खरीद शुरू हो जा रही है। दस दिन कि केंद्र सरकार के वालों बड़ा ऐलान किया गया कि मौसम की खराबी के कारण 11 अक्टूबर को झोने की सरकारी खरीद शुरू होगी। इस फैसले को लेकर सूबे की सियासत लगातार फटी हुई थी। हरेक सियासी पार्टी के वालों इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। इन तो इलावा पंजाब और हरियाणा के किसानों के वालों भी केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया गया। किसानों के वालों तो बीजेपी बीजेपी कांग्रेस के विधायकों का भी विरोध किया गया, जिस तो बाद बीती शाम केंद्र सरकार के वालों पर अपना फैसला बदल लिया गया। अज तो पंजाब और हरियाणा के झोने की सरकारी खरीद शुरू हो जा रही है, जिसको लैके किसानों के काफ़ी खुशी भी देखने को मिल रही है। तो एक बार फिर दस दिन वही खबर पंजाब और हरियाणा के किसानों के नाल सामने आ रही है कि पंजाब और हरियाणा के अज झोने की सरकारी खरीद शुरू हो जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार के वालों यह फरमान जारी किया गया, यह हवाला दिया गया कि मौसम की खराबी के कारण झोने की सरकारी खरीद 11 अक्टूबर को शुरू होगी, पर किसानों के विरोध तो बाद केंद्र सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। अज तो ही पंजाब और हरियाणा के झोने की सरकारी खरीद शुरू हो जा रही है। खबर टीवी।